प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी इज, इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। कैसे याद रखें इसको? सी, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज टू, इज द कंडीशन टू रिमेन इन द सेम स्टेट। आइदर इट कुड बी स्टेट ऑफ मोशन और इफ इट इज आइडल इट विल रिमेन आइडल। जैसे आप इसको एक स्टोरी के इसमें याद रख सकते हैं। देखो, जैसे कोई जो मोटे इंसान होते हैं ना, वो अगर एक जगह बैठ गए तो बैठे ही रहते हैं। उनको उठने के लिए या उठकर चलने में बहुत तकलीफ होती है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द मास। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि मास, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बहुत भारी भरकम चीज है उसको अगर आपको हिलाना है तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। उसकी जगह अगर कोई हल्की सी चीज है तो उसको हिलाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। तो इट इज लाइक मेजर ऑफ इनर्शिया। सेकेंड इज वेट। तो व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स एक्टिंग ऑन मास। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स किससे दिखाया जाता है? यूनिट, हमेशा फोर्स का यूनिट आपको पता है, इट्स अ न्यूटन। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। तो जो भी मास है, जो भी व्यक्ति है, इंसान है, कोई भी चीज है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते रहता है। और इसी वजह से उसका हम वेट मेजर कर सकते हैं। सो वेट इज नथिंग बट फोर्स, एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, विच इज मेजर्ड इन न्यूटन। तो व्हाई इट इज जीरो एट द सेंटर? तो वेट इज ड्यू टू द फोर्स। और फोर्स क्या है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और ये मास जो है, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ये किसके वजह से? ये अर्थ की वजह से। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस वजह से अर्थ का जो पोर्शन है वो भी कम होते जाएगा। इन शॉर्ट, मास जीरो हो जाएगा। तो कोई भी अगर एक चीज़ जीरो होती है प्रोडक्ट में, आइदर मास या आइदर एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट वेट जीरो हो जाएगा। सो वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा आपको लास्ट ईयर के इसमें भी था, फिजिक्स में। तो ये हमेशा मेजर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी जी। तो अभी एक रिसेंटली एक फिल्म भी आई थी, मिशन मंगल। तो देखिए, अगर कोई सैटेलाइट हमें अर्थ से दूर भेजना है तो उसको हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के आगे भेजना पड़ेगा। एक बार उसको क्रॉस कर लेता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। यानी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। इट विल एक्ट अप टू अ सर्टन डिस्टेंस ओनली। उसके बाहर चला गया तो वो यूनिवर्स में निकल जाएगा। तो दैट्स वाई इट डिपेंड्स ऑन हाइट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आया है ये। तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और ये सिंस इट्स अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है यानी जो चेंज नहीं होता। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट, सो इट विल नॉट चेंज। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज आएगी, दैट इज सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें ए पार्ट है, क्वेश्चन ए है उसमें, सेकेंड का ए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स? व्हाई? तो इसमें देखिए दो तीन सवाल है एक्चुअली। एक तो आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी क्या क्या डिफरेंस है मास और वेट में, वो आपको बताना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास और उसका वेट अर्थ पे जो है, वही वैल्यूज हमको मार्स इस प्लैनेट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आंसर हमें देना है। और वो क्यों,
ये ऐसी तीनों चीजें बतानी। सो लेट अस बिगिन विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन मास एंड वेट। तो पहले भी सवाल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मास क्या है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। एंड वॉट इज वेट? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। देखो वेट क्या है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहे उस मास को। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी वेट में ये मास भी आता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आता है, सो दैट इज वेट। अभी मास का यूनिट हमने देखा पहले वाले सवाल में, इट इज मेजर्ड इन केजी, और फोर्स हमेशा मेजर होता है न्यूटन में, और वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, सो उसका भी यूनिट आएगा न्यूटन। अभी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर यानी क्या, जिसको डायरेक्शन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन वेट क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स है और फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है, पुल है या पुश है, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट होता है, इट इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन है उसको, कहाँ पे है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए तो एप्पल जो था वो पेड़ से नीचे गिरा था, और उसी वजह से न्यूटन सोचने पे मजबूर हुआ कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, व्हाई डिडंट इट ट्रैवल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाई डिडंट इट एस्केप इन द यूनिवर्स, ऐसे कई चीज़ें उसके दिमाग में आई थी। सो लाइक दैट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मास की क्या चीज़ है, क्या प्रॉपर्टी, और इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर इवन ऑन अदर प्लैनेट। देखो मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम मेजर करते हैं किसी प्लैनेट पे, तो वो चेंज होने वाला नहीं है, फिर वो दूसरे प्लैनेट पे भी सेम रहेगा। लेकिन वेट क्या है, वेट इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो एक जगह से दूसरी जगह वेट ये चेंज होने वाला है, अगर एक प्लैनेट पे हम मेजर करेंगे तो दूसरे प्लैनेट में वेट ये अलग आने वाला है। लाइक वी नो कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 दैट ऑफ द अर्थ है, यानी अगर कोई इंसान का वेट यहाँ पे 60 केजी आएगा तो उसका 1/6 यानी 10 केजी वेट मून पे आने वाला है, दिस इज व्हाट वी नो। अभी मास क्या है, वी हैव सीन इन फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। और वेट क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स। लाइक दिस यू कैन राइट ऑलमोस्ट 4 to 5 पॉइंट्स वेरी ईजिली, होप यू अंडरस्टूड। अभी सेकेंड जो पार्ट था, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड मार्स, तो हमने पहले ही इसका जवाब यहाँ पे देखा था। देखो इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, वेयर एज वेट वैल्यू चेंजेस, एज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट, सो इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड मार्स। देखो मास जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सो इट विल बी सेम ऑन अर्थ एंड मार्स, वेयर एज वेट इज द force with which the planet attracts the object and this gravitational force changes from place to place, so its value will be different on earth and on the mars. Lekin weight jo hai, it is the force with which the planet is attracting. Jaise maine bola ke moon ka jo gravitational force hai, that is 1/6 of that of the earth, isi wajah se weight jo hai वो अर्थ पे अलग आने वाला है और मून पे अलग, इट विल बी डिफरेंट ऑन बोथ द प्लैनेट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया आंसर, सो होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, व्हाट आर फ्री फॉल देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी escape velocity and centripetal force. So definitions हमें देने हैं। Free fall क्या है, तो free fall is when an object moves under the influence of the force of gravity alone, then it is said to be in a free fall state. देखो उसके नाम में ही आप उसके वजह से आप याद रख सकते हैं, free and fall, तो यानी कोई object अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो उसको हम फ्री फॉल बोल सकते हैं, यानी उस पर कोई और दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ इन अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखो यानी कोई पत्थर या कोई बॉल आप ऊंचाई से आप नीचे छोड़ देते हो,
तो इनिशियली उसको आप होल्ड करके रखते हो, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी यू जो है वो ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे नीचे आते जाएगा तो क्या होगा, इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ बॉयंट फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। देखो अभी आइडियली अगर किसी बॉल को हम ऊंचाई से नीचे फेंकते या कोई स्टोन है पत्थर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट होने वाला है, लेकिन क्या वो फ्री फॉल स्टेट में होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज उसका ये जो एयर जो है उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी उसमें एक्ट होगा और जो बॉयंट फोर्स है वो भी एक्ट होगा। तो जो हमारा फ्री फॉल कंडीशन है उसमें क्या है, तो ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुड बी एक्टिंग। तो इसलिए आइडियलिस्टिक ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए इसको हमको वैक्यूम में अगर हम करते हैं तो वैक्यूम में क्या होगा, एयर का और बॉयंट फोर्स जो है वो कोई भी नहीं होगा, तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा एंड देन इट विल बी इन अ फ्री फॉल कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि सवाल जो पूछा गया है वो कितने मार्क्स के लिए है। अगर वो हार्डली वन मार्क्स के लिए, तो आप सिर्फ डेफिनेशन अगर पूछा गया है तो आप यहाँ तक जो अंडरलाइन पोर्शन है वहाँ तक लिखे तो भी चल सकता है, लेकिन बेटर आप थोड़ा और आगे भी एक्सप्लेन कर दे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, दो तीन लाइन आप आराम से ऐड कर सकते हो। देन सेकेंड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय जी। देखो अभी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स नियर इट। हमने ये बुक में पढ़ा है कि अर्थ क्या करता है, हर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। देखो अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आइदर इट विल बी पुल्ड और इट विल बी पुश्ड, और उसके वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा और उसका स्पीड वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। और इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी, और इसी को क्या कहा गया है, इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन कैसा है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यानी मैंने पहले भी बोला हैविंग डायरेक्शन, सिंस इट्स अ फोर्स एंड इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जब भी ये फोर्स एक्ट होता है ये कैसे एक्ट होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसमें आप ये अंडरलाइन पोर्शन तक ही लिखे तो भी चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स गिवन टू दैट क्वेश्चन, लेकिन आगे एक दो लाइन आप ऐड भी करते हो तो भी अच्छी बात है। देन थर्ड एस्केप वेलोसिटी। देखो नाम में ही आंसर है, एस्केप, एस्केप यानी निकल जाना, तो और वेलोसिटी आपको पता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर। देखो अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहाँ कैसे एक्ट हो रहा है, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ऐसी वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को मदद करे टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल और वो एस्केप हो जाए इस पुल से, ऐसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं।
इट इज द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. यहाँ पे ये अर्थ है. डबल आया था ये, इसलिए चेंज कर दिया. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एस्केप वेलोसिटी क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड देन सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. देखो पहले एक खिलौना आता था जिसमें एक थ्रेड लगा हुआ रहता था और एक लकड़ी होती थी जिससे वो थ्रेड बांध दिया जाता और वो बच्चे उसको घुमाते थे जोर जोर से, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट जो था वो घूमते रहता और एक आवाज़ आती थी. जो बच्चे इसको छोटे छोटे बच्चे ना वो खिलौने जैसे यूज़ करते थे इसको. आपने कभी शायद देखा होगा इसको, या आप भी कोई थ्रेड लेके उसको एक कोई पत्थर जैसी चीज़ बांध के उसको आप घुमा, अगर हाथ में पकड़ के आप थ्रेड को घुमाते हो तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा. और ये तब तक ही घूमेगा जब तक वो थ्रेड आपके हाथ में या वो टूट नहीं जाता थ्रेड. जैसे वो थ्रेड टूटता है तो वो ऑब्जेक्ट कहीं भी जाके गिर जाएगा. तो ऐसे ही व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड देन सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसी फोर्स को क्या कहा गया है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब आप वो कोई थ्रेड पकड़ के घुमाते हो तो वो ऑब्जेक्ट घूमता है. क्यों? क्योंकि एक फोर्स एक्ट हो रहा है थ्रू थ्रेड और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर हैंड और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट मूव होते रहता है सर्कुलर इसमें. लेकिन जैसे थ्रेड छूट जाता है या टूट जाता है तो ये फोर्स एक्ट होना बंद हो जाता है एंड द सर्कुलर मोशन स्टॉप्स. तो ये सर्कुलर मोशन किस वजह से पॉसिबल है, ये एक फोर्स की वजह से. ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अगर इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज इट्स स्पीड और अगर r रेडियस है सर्कल का तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन. और फोर्स हमेशा न्यूटन में ही मेजर किया जाता है और फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर अपॉन आर. सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये आप सब फॉर्मूलाज एक पेज पे नोटबुक के आखिरी वाला जो पेज होता है ना उसमें आप लिख के रख सकते हैं यूनिट्स एंड फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन लर्न लेटर ऑन. या आप एक कार्डशीट बना के आपके जो भी वॉल है आपके सामने जो दीवार है उसके ऊपर आप बड़े अक्षरों में लिख के पेपर के ऊपर लगा के रख सकते हैं तो वो याद करने में बहुत आसान हो जाता है. आपको एक्चुअली याद ही नहीं करना पड़ता. जो चीज़ आप बार बार देखते हो वो आपके याद हो जाती है तो आपको कभी लर्निंग एज सच नहीं करना पड़ेगा. रट्टा मारना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी पूरी तरह. इवन आप डेफिनेशंस फॉर्मूलाज यूनिट्स ये सारी चीज़ें आप दीवार पे फिजिक्स हो अलजेब्रा हो ज्योमेट्री हो केमिस्ट्री हो आप ये नोट्स छोटे छोटे बना के बड़े बड़े अक्षरों में लगाइए. जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाती है वहाँ पे आप उस दीवार पे या आपके टीवी के बाजू में आप ये लगा के रख सकते हैं. सो लर्निंग बिकम्स वेरी इजी. इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं. जो देखो चेहरा हमें याद रह जाता है किसी भी व्यक्ति का लेकिन नाम याद करने में तकलीफ होती है. तो विजुअलाइज जो चीज़ दिखती है वो जल्दी याद हो जाती है, जो सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं. इसीलिए आपको ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में अभी बना के दिया है ताकि आप वो विजुअलाइज करके देख देख के याद हो जाए. आप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू फर्दर क्वेश्चन टू सी. राइट द थ्री लॉज गिवन बाय केपलर एंड हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो तीनों लॉ लिखने हैं केपलर्स के. तो क्या था फर्स्ट लॉ वॉज, देखो पिक्चर से ही तीनों लॉ क्लियर हो जाते हैं. पहला लॉ ये था
द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स. तो ये ऑर्बिट जो है, यानी हमको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू में घूम रही है, लेकिन हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एक सर्कुलर इसमें घूम रहे हैं, बट वो सर्कुलर नहीं है, इट्स एन इलिप्स, इलिप्टिकल शेप है. जो यहाँ पे जो शेप दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है ये पूरा इलिप्टिकल शेप है. इलिप्टिकल यानी एक एग्जांपल दिया गया था बुक में, आइसक्रीम का कोन जो है वो अगर हम एक एंगल में अगर हम काटते तो जो शेप तैयार हो जाएगा वो इलिप्स है, इलिप्टिकल शेप है. या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी पार्टी में, तो वहाँ पे जो कुकम्बर होता है तो वो जिस तरीके से आजकल काटा जाता है एक टेढ़े एंगल में थोड़ा सा, तो वो जो शेप तैयार हो जाता है वो इलिप्टिकल शेप है. राउंड भी काटा जा सकता है, लेकिन आजकल एक फैशन आ गया है, देखो लंबे लंबे पीसेस जो होते हैं वो इलिप्टिकल शेप है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. समझ गए होंगे आप. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट कैसा है, इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. देखो ये जो इलिप्स है इसमें देखो कॉन्केव लेंस जैसा तैयार हो गया, यहाँ पे एक तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया, इवन दिस शेप ऑल्सो कॉन्वेक्स कॉन्केव शेप जैसा है. तो इसमें फोकाई होता है, हमने पढ़ा है लास्ट ईयर में. तो सन कहाँ पे है, इज एट वन ऑफ द फोकाई. एक तो क्या है, प्लैनेट इज जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप है, और जिसमें सन कहाँ पे, नॉट एट द सेंटर बट एट वन ऑफ द फोकाई. तो ये यहाँ पे पिक्चर में दिखा है. तो इतना ही लॉ है. क्या है लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. इतना ही लॉ है ये. दिस इज शोन इन द फिगर. आप ये ऐसे पिक्चर में भी बना के आप दिखा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एलोकेटेड टू द क्वेश्चन. लेकिन आप अगर ये ड्रॉ करते हो फटाफट प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको ये लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड लॉ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखो ये जो प्लैनेट है अपना, ए से जो दिखा है वो प्लैनेट है, तो अगर यहाँ से एक लाइन सन की तरफ निकलते हैं लेकिन बाद में प्लैनेट मूव होते होते बी पे आ जाएगा, तो बी से अगर हम एक लाइन निकलते तो ये ए एस बी, बाद में प्लैनेट घूमते घूमते पोजिशन सी पे आ जाएगा, घूमते घूमते डी पे आ जाएगा. तो ए एस बी और सी एस डी विल, ये जो एरिया आ जाएगा दिस विल बी इक्वल एरियाज प्रोवाइडेड ए टू बी का जो भी टाइम है और सी टू डी का जो भी टाइम है वो इक्वल है. सो क्या है लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यानी प्लैनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विल स्वीप इक्वल एरिया कवर करेंगे प्रोवाइडेड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी अगर ए टू बी अगर दो दिन का समय है तो सी टू डी भी दो दिन का समय होना चाहिए, तब भी ये एरिया जो है ए एस बी और सी एस डी विल बी इक्वल. आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी आर शोन बाय बी एंड डी रिस्पेक्टिवली. वही मैंने एक्सप्लेन किया, देखो ए एस बी और सी एस डी, इवन ई एस एफ भी इक्वल हो जाएगा प्रोवाइडेड ई टू एफ का भी टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल करके मैंने लिया है कि दो दिन का समय है, तो सेम आ जाएगा सब जगह पे. कैसे सेम आएगा, देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा भी लग रहा है ए टू बी, लेकिन ये जो एरिया है ओवरऑल ये डिस्टेंस कम हो गया है ना सन से, तो ए एस बी यानी ए एस और बी एस छोटा हो गया है. वैसे देखो सी एस और डी एस लेंथ बड़ा हो गया यहाँ पे, इसलिए अल्टीमेटली एरिया जो आने वाला है ओवरऑल वो सेम ही आने वाला है. व्हाट इज द थर्ड लॉ, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी जो अर्थ को जो टाइम लगता है पूरा एक चक्कर लगा के वापस आने में, यानी फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट से शुरू हुआ अर्थ का रिवोल्यूशन अराउंड द सन, तो ए से लेके बी सी डी ई एफ एंड बाद में वापस ए तक आने का जो भी टाइम है उसको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, और ये कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है. तो अगर इसका स्क्वायर ऑफ द इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. देखो ये जो टाइम लगता है घूम के आने में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सन के यहाँ से डिस्टेंस का. लेकिन आप देख रहे हो कि डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, देखो ए पॉइंट में जब अर्थ है तो वेरी क्लोज टू द सन, लेकिन जब सी में है तो थोड़ा दूर चली गई, डी में और थोड़ा दूर, ई में तो बहुत ही दूर, तो इसलिए ये डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका एवरेज डिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाय आर.
तो लॉ क्या है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये लॉ है। क्या है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन यानी एवरेज डिस्टेंस, यानी एवरेज निकालना है सभी डिस्टेंस का, सभी को मिला के एक एवरेज, विच इज डिनोटेड बाय आर। तो आप इतना ही याद, अगर ये फॉर्मूला याद रख लेते हो तो आपको ये केपलर्स थर्ड लॉ यू कैन वेरी वेल इजिली मेमोराइज। टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ पे टी टू दिख रहा है बट रीड इट एज टी स्क्वेयर, और ये आर थ्री तो ये आर क्यूब है और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर है, अभी मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू। अ सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टली टू द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड अ सेंट्रिपिटल फोर्स। द सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस एंड एफ इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो पहले वाले इसमें भी हमने पढ़ा था सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है और सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है। अभी हम आ रहे हैं कि न्यूटन को कैसे हेल्प हुआ केपलर के लॉ का टू अराइव एट इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो अगर एक प्लैनेट है उसका मास एम है और वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, मान लो अर्थ ही है प्लैनेट, देन द सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे दिया जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, वेयर आर क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी स्पीड कैसे मेजर करते हैं, हमको पता है स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जैसे हम भी बोलते हैं ना, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो कितने स्पीड से आए, तो 60 के स्पीड से, यानी 100 के स्पीड से, यानी उतना डिस्टेंस हमने उतने टाइम इंटरवल में, यानी 60 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में। देखो स्पीड हमेशा डिस्टेंस और टाइम के साथ चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर कवर किया एक घंटे में, या 100 के स्पीड से है, बुलेट ट्रेन कितने स्पीड से चलती है, 120 के स्पीड से, यानी क्या 120 किलोमीटर पर आवर। देखो टाइम भी आ रहा है और डिस्टेंस भी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो हमने देखा डिस्टेंस क्या है, तो ये पूरा जितना भी कवर करेंगे ए से लेके वापस ए में आने का, यानी इन शॉर्ट हम सर्कमफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2πr, सर्कमफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय 2πr, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2πr, और टाइम टेकन इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कितना टाइम लगता है उतना, दैट इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो स्पीड कैसे दिखाएंगे हम, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, यानी डिस्टेंस कवर्ड विच इज 2πr अपॉन टाइम टेकन t। और f हमने कैसे दिखाया था, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन r, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है ना इसलिए। तो यहाँ पे हम v को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2πr अपॉन t, तो मैंने m वैसे ही लिखा, ये v स्क्वेयर की जगह मैंने v की जगह 2πr अपॉन t लिख दिया, सिंस इट्स अ स्क्वेयर हियर, तो यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया डिवाइड बाय r। तो m वैसे के वैसे आ गए, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और ये r, अब ये r और यहाँ का सिंगल r चला जाएगा, तो बचा कितना, m 4 पाई स्क्वायर r बचा सिर्फ, और नीचे डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और ये एक r और ये सिंगल r चला गया। अभी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, अभी देखो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एम फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे जो आर था इसको मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो आर क्यूब हो गया, और नीचे टी स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। अभी देखो केपलर्स के थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज के, के इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आ गए दोनों टर्म, टी स्क्वायर और यहाँ पे आर क्यूब, तो यहाँ को, यहाँ पे हम टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं के से, सिर्फ इनवर्स है इसलिए वो आ जाएगा 1/k। तो एफ इज इक्वल टू एम एज इट इज ले लिया मैंने, 4 पाई स्क्वायर भी ले लिया। अभी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज के, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज 1/k, तो इसलिए 1/k नीचे आ गया, और ये आर स्क्वायर एज इट इज। अभी इसमें देखो एम मास ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, 4 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, पाई इज अ कॉन्स्टेंट फिगर, के भी कॉन्स्टेंट है, तो इस हिसाब से क्या आ गया, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इस हिसाब से न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रिपिटल फोर्स, ये एफ जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स है, विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इस तरह से केपलर का ये लॉ यूज करके न्यूटन ने प्रूव किया कि जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाएगा, यानी एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है तो एक कम होता है, यानी इनवर्स होता है। और डायरेक्ट में क्या होता है, एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम हो गया तो दूसरा भी कम होने वाला है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इस तरह से न्यूटन ने ये लॉ यूज किया है, या आप समझे, ईजी है। अभी ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला भी जैसे मैंने बोला ना, आप एक कार्ड शीट के ऊपर लिख सकते हैं, जो आप बार बार विजुअलाइज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन लर्न दिस। दीज आर ऑल काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल सकते हैं, या जी टी, जी एंड ए बोथ आर एक्सेलरेशन, जी सिर्फ क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। और एक खास बात है, ये जो ग्रेविटी है ये सिंस इट्स अ फोर्स, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी हमेशा निगेटिव रहेगा, और अगर वो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स अर्थ तो ये पॉजिटिव रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इससे रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, यू क्या है, ये यहाँ पे कैपिटल हो गया है, इट शुड ऑलवेज बी स्मॉल, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। तो यू जो है, यू इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, ये ड्यू टू सम रीज़न ये, ठीक है इसको मैं बाद में कर लूँगा, आप ध्यान में रखो, हाँ स्मॉल यू होना चाहिए। U is the initial velocity, V is the final velocity, G जो है it is acceleration due to gravity, S is the distance traveled, हाँ लेकिन जब ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो इसको हम height भी बोल सकते हैं, और T is the time taken for travel। तो आप ये तीनों formulas ये याद रखना है आपको, ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी आपको याद रखना है। यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ फाइनल वेलोसिटी, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी इज़ द टाइम, एस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल और द हाइट। तो ये चीज़ें आप याद रख लो, ये आपको काम में आएंगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर। तो ये पार्ट में टू ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इसको कट करता हूँ, और पार्ट टू इसका बनाता हूँ जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। सो होप यू अंडरस्टूड, कोई भी क्वेश्चन से कुछ है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ये चैनल को, और लाइक भी कीजिए कमेंट भी कीजिए, थैंक यू, और दूसरा पार्ट देखिए फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच।